तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक एंड वेलकम टू ऑल अबाउट मूवीज। तो आदि पुरुष का टीजर हम सभी ने देखा गाइस, और गाइस मैं आपको लिटरली बता दूं कि इस फिल्म की चर्चा जितनी इस टीजर के आने से पहले थी उससे कहीं ज्यादा चर्चा टीजर के रिलीज होने के साथ ही शुरू हो चुकी है। सोशल मीडिया पर मानो मीम्स की बाढ़ सी आ गई है, और इस प्रमोशनल ट्रोलिंग और इस चर्चा का श्रेय जाता है इस मूवी के VFX को। देखो भाई, मूवी के रिसोर्सेज पर तो कोई शक करेगा नहीं, क्योंकि ये कहानी इंस्पायर्ड है हम सब के आराध्य श्रीराम से। अब ऐसे में बचता क्या है, ऐसे में बचता है मूवी का डायरेक्शन, स्टार कास्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, मूवी का VFX, जो कहीं से भी आपको प्रॉमिसिंग नहीं लगेगा। अब देखो भाई, जिन लोगों को नहीं पता कि ये VFX आखिर होता क्या है, उन लोगों को तो कुछ ऐसा ही एक्साइटमेंट हो रहा होगा मूवी को लेकर। लेकिन जिन लोगों को VFX सब पता है, उन लोगों को ये टीजर कहीं से भी सेटिस्फाइंग नहीं लगा होगा। तो गाइस, VFX वही जगह है जहां इन लोगों ने सबसे ज्यादा हगा है, और इससे भी ज्यादा चर्चा हो रही है सैफ अली खान के इस लुक के बारे में। लोग सवाल कर रहे हैं कि भाई ये लुक आखिर कहां से इंस्पायर्ड है, और लोगों के मन में सिर्फ एक ही सवाल है कि ये बंदा कहां से रामायण का रावण था। और मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं गाइस कि बात अब हाथ से निकल चुकी है, और लोगों ने इस मूवी को बॉयकॉट करने का मन बना लिया है, और अब तो इस मूवी को बैन करने की मांग तक उठ रही है। तो अब जब इतना सब कुछ हो गया है, तो कुछ खबरें ऐसी भी आ रही है कि इस मूवी के VFX को वापस रिक्रिएट किया जा सकता है, और डेफिनेटली इस मूवी की रिलीज डेट को भी पोस्टपोन किया जा सकता है, और इस मूवी को अब 2025 में रिलीज किया जाएगा। तो दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि क्या आदि पुरुष को 2025 के लिए पोस्टपोन किया जाना चाहिए या नहीं। और हाँ, वन लास्ट थिंग, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।